अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज़ ज़ैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, बात यह है कि अक्सर सवाल पूछा जाता है साइकोलॉजिस्ट का, जो है पेशेंट को जो है कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है बिल्ड करवाने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसको जो है वो सिंपल जो है उसके लिए वर्बल जो है स्टेटमेंट के अंदर यूज़ कर सकता है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है बिल्ड करने के लिए जो है डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं। हर साइकोलॉजिस्ट जो है वो करंट सिचुएशन की बेस पे डिफरेंट स्टेटमेंट्स का इंतखाब करता है। तो मेरे मुताबिक ये है कि साइकोलॉजिस्ट जो है एज अ मिरर रोल जो है प्ले कर रहा होता है, और अगर मैं जो है ले मैन जो है अगर कोई पेशेंट मेरे सामने बैठा है और मैंने जो है उसके लिए कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है स्ट्रॉन्ग करना है और उसकी प्राइवेसी को जो है मैनेज करना है और एक मेंटेनेंस लेवल के ऊपर लेकर आना है, तो मुझे जो है सिंपल और उस पेशेंट के अकॉर्डिंग जो है कुछ स्टेटमेंट जो है उसका इंतखाब करना पड़ेगा। जैसा कि हम जो है अक्सर यूज़ करते हैं कि आपने जो है मुझे जो है एक मिरर समझना है। जैसे जो है इंसान कमरे के अंदर जो है उसने मिरर लगाया होता है और उसके सामने जो है अपने आप को देखता है और जो है बड़ा सेटिस्फाई होता है, चाहे वो जिस मर्जी हाल में हो, चाहे उसने जो है मेकअप करना हो, चाहे उसने जो है कंघी करनी हो, चाहे उसने जो है चेंजेस करना हो या अपनी ड्रेसिंग को देखना हो, और उसे ये कंफर्म होता है कि ये मिरर जो है किसी दूसरे इंसान को हमारे बारे में नहीं बताएगा कि मैं जो हूँ इसके सामने खड़ा होकर क्या करता हूँ या क्या करती हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ जो है उसको जो है रिफ्लेक्शन के तौर पे जो है देख सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन उसकी कोई भी बात किसी दूसरे तीसरे इंसान को नहीं बताएगा। मैं हूँ, आप हैं या कोई भी शख्स है, जब वो शीशे के सामने मिरर के सामने जाता है जिस मर्जी हाल में, वो उसके सामने जो है एक रिफ्लेक्टेड जो है पिक्चर जो है डिस्प्ले कर देता है कि भाई आप जो है इसके अंदर ऐसे नजर आ रहे हो, आपके अंदर ये जो है तब्दीलियां हैं और आपने ये तब्दीलियां अगर जो है बेहतर कर ली तो आप जो है ज्यादा अच्छे लगेंगे। ऐसे ही साइकोलॉजिस्ट का रोल है कि साइकोलॉजिस्ट जो है एज अ मिरर जो है वो काम कर रहा होता है, आपकी हर बात को वो कॉन्फिडेंशियल रखता है। याद रखें, वो कभी भी ब्रेक नहीं करता। अगर कोई ब्रेक करने वाली बात होगी तो वो जो है एथिकल वेज को यूज करते हुए और आपकी परमिशन को मद्देनजर रखते हुए जो है ब्रेक करेगा, और वो भी जो है स्पेसिफाइड, वरना नहीं करेगा। तो कॉन्फिडेंशियल जो है वो उस चीज को बिल्ड करने के लिए जो है मेरे मुताबिक ये स्टेटमेंट बहुत बेहतर है कि भाई मैं आपके लिए जो है एक मिरर का काम करूंगा, आप मुझे जो है जो भी बात बताएंगे मेरे अंदर रहेगी, हम दोनों के दरमियान रहेगी, किसी दूसरे तीसरे इंसान को नहीं पहुंचेगी। इस चीज की श्योरिटी आप चाहे मुझसे रिटर्न में ले लें, चाहे जो है जिस मर्जी जो है आप एविडेंस बेस्ड जो है बात करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मैं हर तरह की जो है आपको इंश्योरिटी जो है वो करवाऊंगा या करवा सकती हूँ, आप परेशान ना हो। इसीलिए जो भी चीजें हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल है, चाहे वो आपकी सोशल है, चाहे आपकी ऑक्यूपेशनल है, या जो भी है, चाहे वो एक बंद कमरे की बातें ही क्यों ना हो, आपने जो है शेयर करनी है और वो मेरे पास जो है ऐसे ही महफूज रहेंगी जैसे जो है आपके दिल में महफूज है। सिर्फ मुझे बताने का पर्पज ये है कि हम जो है मिलकर उन चीजों को जो है दोबारा से बेहतर कर सके, ताकि चीजें बेहतर हो सके। मेरे नहीं ख्याल के जो है कोई शख्स जो है अगर या कोई साइकोलॉजिस्ट जो है इस तरह की स्टेटमेंट जो है पेशेंट के साथ बोलेगा तो वो जो है कॉन्फिडेंशियलिटी को बिल्ड नहीं कर पाएगा, बहुत आसानी से बिल्ड कर पाएगा, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट देखना पड़ता है कि हमें जो है किस स्टेटमेंट को जो है बोलना चाहिए या नहीं। तो मेरा ख्याल ये लेमेन जो है एक स्टेटमेंट है जिसको जो है अगर हम यूज करेंगे तो कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है बहुत स्ट्रांगली बिल्ड कर सकते हैं। तो आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।